यूक्रेन में युद्ध के संकट के बीच एक और धमाका, कार में हुआ जोरदार ब्लास्ट, रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ी तनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल की तारीफ, कहा भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को देगी नया नेतृत्व। पंजाब में चुनाव से पहले सिद्धू की बड़ी मुश्किलें, डीएसपी ने दर्ज कराया मानहानि का केस, रैली के दौरान पुलिस पर की थी अभद्र टिप्पणी। सपा के कद्दावर नेता अहमद हसन का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस। नमस्कार, आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक इंटरनेशनल खबर के साथ जिसने हर तरफ तूफान उठाया हुआ है। यूक्रेन में युद्ध के संकट है, ऐसे में यूक्रेन में युद्ध के संकट के बीच फिर धमाका हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में एक कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ, ये घटना डोनेट्स्क शहर में हुई जहां रूस समर्थक अलगाववादियों का कब्जा है। यहां गैस पाइपलाइन में भी आग लग गई, रूस समर्थक अलगाववादियों ने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। कल भी यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से गोले दागे गए थे, इसमें से एक स्कूल को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। नए धमाके से तनातनी और बढ़ गई, यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन धमाकों को युद्ध के ट्रेलर के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर व्हाइट हाउस ने हाल ही में हुए यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और प्रमुख बैंकों पर साइबर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि नौबत परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। अमेरिका ने परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 बॉम्बर्स जेट का यूरोप में तैनात कर दिया है। अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस कल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल करने जा रहा है। इन खुलासों से रूस और यूक्रेन के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने इन हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले वक्त में यूक्रेन पर हमला करेंगे। बाइडेन ने कहा कि उनके पास ये मानने के कारण है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा और राजधानी कीव पर हमले होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका लगातार ये कह रहा था कि उसे पुख्ता तौर पर यह नहीं पता है कि पुतिन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण करने का अंतिम निर्णय ले लिया है। उन्होंने इस आंकलन के लिए अमेरिका की अहम खुफिया क्षमता का जिक्र किया और कहा कि इस क्षण मुझे यकीन है कि उन्होंने निर्णय ले लिया है, हमारे पास ये मानने का कारण है। बाइडेन ने हमले की सूरत में रूस पर कड़े आर्थिक तथा राजनयिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दोहराई है और अपने निर्णय पर फिर से विचार करने को कहा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से अधिक एकजुट हैं कि रूस को आक्रमण की कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर स्थित शहरी गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के एशिया के सबसे बड़े गोबरधन प्लांट का लोकार्पण किया है। इस मौके पर पीएम ने इंदौर जिले और जिलेवासियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता, मन में आता है नागरिक कर्तव्य। उन्होंने कहा कि जितने अच्छे इंदौर के लोग हैं उतना ही अच्छा इंदौर भी है। मध्य प्रदेश के अनेक शहरों से जुड़े प्यारे भाइयों और बहनों, अन्य महानुभाव भी आज यहां मौजूद है। हम जब छोटे थे, जब पढ़ते थे, तो इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, माहेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या जी के साथ ही आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता,
इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों और अन्य कृषि सामग्री का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल की पीएम ने तारीफ करते हुए कहा कि देश में ड्रोन के इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है। पीएम ने विश्वास जताया कि ड्रोन क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया का एक नया नेतृत्व देगी। अधिकारियों ने इसे किसानों के लिए बेहद नवीन और रोमांचक पहल बताया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ड्रोन स्टार्टअप की एक नई संस्कृति तैयार हो रही है। उनकी संख्या अभी 200 से अधिक है जो आने वाले समय में हजारों में होगी और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस क्षेत्र के विकास में कोई बाधा ना हो और सरकार ने इसकी वृद्धि के लिए कई सुधार और नीतिगत कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि अगर नीतियां सही हों तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। ड्रोन कुछ वर्ष पहले तक मुख्य रूप से रक्षा से जुड़े उपकरण के तौर पर ही देखा जाता था। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीज है, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1,00,000 मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। पंजाब में कल मतदान होना है। अमृतसर ईस्ट सीट पर चुनाव लड़ रहे पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू मतदान से ठीक एक दिन पहले मुसीबत में आ घिरे हैं। सिद्धू के खिलाफ चंडीगढ़ के डीएसपी ने क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने सिद्धू के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में क्रिमिनल मानहानि याचिका दायर की है। डीएसपी ने कहा साल 2021 में एक रैली के दौरान पुलिस के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने में सिद्धू विफल रहे हैं। बता दें कि साल 2021 दिसंबर के महीने में पंजाब के पूर्व मंत्री अश्विनी खेखड़ी की रैली में पहुंचे सिद्धू ने पंजाब पुलिस का जमकर मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि अश्विनी सेखड़ी अगर एक धक्का मार दें तो थानेदार की पैंट गीली हो जाती है। वहीं जब उनसे इस बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल मजाक में कहा था। सिद्धू ने ये तक कहा कि उनके बयान को तोड़ भरोड़ कर पेश किया गया था। वहीं इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी ने नवजोत सिंह सिद्धू को नोटिस भेजकर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अमेठी का दौरा करेंगे जहां पर वो गौरीगंज विधानसभा के रणंजय इंटर कॉलेज के सामने मैदान में गौरीगंज से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मटियारी और अमेठी विधानसभा के मुंशीगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने मैदान में पार्टी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करने पहुंचे जहां बीजेपी प्रत्याशी बाबूराम पासवान के समर्थन में जनता से वोट की अपील की, साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने लोगों को मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ शौचालय सहित काफ़ी लाभ दिया जो कोई सरकार नहीं दे सकी।
इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार गुंडों की सरकार है जिसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया और बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ विकास किया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी बाबूराम पासवान को दोबारा विधायक बनाने के लिए अपील की है। वाराणसी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कुत्सित चेष्टा की थी और आतंकवादियों की पैरवी तब कोई करता था तो समाजवादी पार्टी करती थी। भाइयों बहनों, कल के न्यायालय के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, एक तरफ आतंकवाद समर्थक समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। याद करिए, जब 2017 में हमारी सरकार बनी, हमने पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। अन्नदाता किसानों का प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था और भाइयों बहनों, पीलीभीत के 53,400 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 53,400 से अधिक किसानों का। और आज हमारे पीलीभीत के 3,05,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सालाना 6,000 रुपए हर किसान के खाते में आ रहे हैं। गन्ना किसानों का 1,60,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन का आज लखनऊ में निधन हो गया। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आखिरी सांस ली है। बता दें कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इससे पूर्व भी उन्हें उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र के दौरान 16 दिसंबर को सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद KGMU के लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनसे मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे। अहमद हसन के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन जी का निधन अत्यंत दुखद है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. Vedanta, एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS Academy के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसी एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is
Simani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012, and I'm currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC main gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों और दंगाइयों को संरक्षण दिया है, वो अपराधियों पर लगे मुकदमों को हटाने का आश्वासन देते हैं। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार दरअसल आतंकवादियों को, अपराधियों और दंगाइयों को संरक्षण देती है और वो अपराधियों पर लगे मुकदमों को हटाने का आश्वासन देते हैं। ये चुप्पी एक बार फिर आतंकियों के संरक्षण की ओर उंगली उठाती है समाजवादी पार्टी की ओर। 2008 के सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मृत्यु हुई, घायल हुए। न्यायालय की हाल ही में आई जजमेंट का हम स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, जिसमें 49 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई गई, 38 आतंकियों को फांसी की सजा, 11 को ताउम्र जेल में रहने के लिए सजा सुनाई गई। ये तब हो पाया जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ब्लास्ट होने के बाद सारी एजेंसीज का ये कहना था कि मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी घटनास्थल पर ना जाएं, लेकिन मोदी जी घटनास्थल पर भी गए, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गए, घायलों को देखने अस्पताल भी गए, और यहीं पर रुके ही नहीं, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए मोदी जी की मुहिम लगातार चलती रही। SIT का गठन हुआ, मात्र 19 दिनों के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, पकड़ा गया, केस सॉल्व हुआ, और उसके जो कुछ भी करना था सबूत पहुंचाने तक, आतंकवादियों को पकड़ने तक मोदी जी की सरकार ने उस समय भी काम किया। आज भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मोदी जी की सरकार वचनबद्ध है, प्रयासरत है। और मैं कहना चाहता हूं, इस पर सिमी हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, इनकी कमर तोड़ने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। उन आतंकवादी हमलों में भी, सीरियल ब्लास्ट में भी, एजेंसी की रिपोर्ट उस समय की भी है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने की प्लानिंग थी। सवाल यह खड़ा होता है कि इसका सपा कनेक्शन कहां से आता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अहमदाबादी हमले के ताज समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ पुत्र शाहबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता।
वहीं संभल में स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता देखने को मिली है। सड़क हादसे में घायल युवक को ठेले पर लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। कैमरे में स्वास्थ्य महकमे की संवेदनहीनता की तस्वीरें कैद हो गई। अस्पताल में घायल को स्ट्रेचर नहीं दिया गया, बिना एम्बुलेंस के ठेले पर रखकर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। मामला जिला संयुक्त चिकित्सालय का है। संभल में बारात पर दबंगों ने पथराव कर दिया, जिसमें ट्रैक्टर चालक समेत दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दबंग घर के आगे से बारात नहीं निकलने देना चाह रहे थे और छत से पथराव कर रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामला गुन्नौर थाना के गांव बिजुआ नगला का है। कन्नौज में तीसरे चरण को लेकर रविवार को मतदान होना है। यहां चुनाव प्रचार शुक्रवार देर शाम से पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब प्रशासन मतदान कराने की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दे रहा है, जिसके कारण पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और अन्य उपकरण देकर पोलिंग बूथ तक सुरक्षा के साथ पहुंचाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार कोरोना के कारण जिलों की तीनों विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां अलग अलग जगह से रवाना की जा रही हैं। इन्हें इस बार ट्रक या डीसीएम से ना भेजकर बसों से भेजा जा रहा है। चुनाव को लेके हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आज हमारी तीनों विधानसभा की पार्टियां अलग अलग जगहों से प्रस्थान कर रही हैं। कोविड के दृष्टिगत रखते हुए हमने अब की बार तीनों विधानसभा की पार्टियों को अलग अलग स्थानों से प्रस्थान कराने की प्लान किया था। तो हमारी जहां आप खड़े हैं वोटिंग ग्राउंड से तिरवा की पार्टी प्रस्थान कर रही है, मंडी ग्राउंड से छिबरामऊ की पार्टी प्रस्थान कर रही है और पुलिस लाइन से कन्नौज की पार्टी प्रस्थान कर रही है। सारी तैयारियां हमारी हो रही हैं, वितरण सामान का हो रहा है। पूरे जिलों को हम लोगों ने 140 सेक्टर और 16 जोन में विभाजित किया है। सभी बूथों पर हमारे जो है पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। वहीं कानपुर के गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। कानपुर में कुल 10 विधानसभा के लिए 35,17,135 मतदाता मतदान करेंगे। 3,714 बूथों पर मतदान होगा। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए प्रशासन की तरफ से छाछ और फल दिया गया है। वहीं पोलिंग बूथों पर जाने के लिए सभी बसों को कलर कोड दिए गए हैं। देखिए, आज पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच रवानगी का ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है नौबस्ता गल्ला मंडी में, और सभी हमारी जो मतदान कार्मिक हैं वो अपनी ईवीएम्स यहाँ से कलेक्ट करते हुए उनको एक रूट चार्ट बना हुआ है, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की देखरेख में वो बूथों तक पहुँचने का जो कार्यक्रम है वो आज सम्पन्न हो जाएगा। और कल 20 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच में मतदान का समय रहेगा। मेरी एक अपील है कि कानपुर नगर के सभी मतदाता जो हैं घरों से बाहर निकलें और वोट करके एक हायर वोटिंग परसेंटेज सुनिश्चित करें। वहीं हाथरस की तीनों विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है। हाथरस के एमजी पॉलिटेक्निक से 1403 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां अपना सामान लेकर रवाना की जा रही हैं। हाथरस की तीनों विधानसभा में 11,65,345 मतदाताओं के लिए 1403 बूथों को बनाया गया है। साथ ही सकुशल मतदान के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12,500 पुलिस, बीएसएफ, जीआरपीएफ, पीएससी आदि सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हमारे 1399 हैं, 4 ऑक्सिलरी बूथ हैं, कुल 1403 बूथ हैं। कितनी पोलिंग पार्टी रवाना होंगी आज? अभी तक 60% लोगों ने सामान ले लिया है और शेष लोग सामान प्राप्त कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही सामग्री पार्टी पूरी हो जाएगी 12 से 1 बजे के बीच प्रस्थान करेंगे। कितने मॉडल बूथ बनाए गए सर? मॉडल बूथ हमारे 3 सेंटर पे मॉडल बूथ बनाए जा रहे हैं, 5 पिंक बूथ बनाए गए हैं सभी विधानसभाओं में और उस पर LED अफसर सभी लगाई गई है, उनको माननीय आयोग के निर्देश के क्रम पे उनको सुसज्जित कराया गया। कुल कितने सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे कल? अलग अलग तरीके के हैं, जहाँ 1 बूथ वाला कोई सेंटर है तो वहाँ अलग सुरक्षाकर्मी हैं, जहाँ हमारे 2 बूथ वाले हैं उसमें उसी के हिसाब से माननीय आयोग के जो निर्देश थे उसके क्रम में व्यवस्था दी गई है। इसमें एडिशनल SP साहब आपको डिटेल बताएंगे। खबर बरेली से है, जहां स्मैक तस्कर फैजान के मकान पर BDA का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि बिना नक्शा कोठी बनाई गई थी। विकास प्राधिकरण को शिकायत के बाद BDA ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल लगातार बिना नक्शे के बनाए गए भवनों और कोठियों को ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें कि बरेली में स्मैक का काला कारोबार हो रहा है, इसी को लेकर स्मैक तस्करों ने अवैध रूप से कमाई गई रकम से आलीशान कोठियां बना ली। इतना ही नहीं, विकास प्राधिकरण को भी ताक पर रखा गया था और बिना नक्शे के अपनी आलीशान इमारतों को खड़ा कर लिया गया।
स्मैक तस्कर को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, तो काली कमाई से बनाई गई कोठियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण की परिवर्तन दल और अधिकारियों की टीम ने सबसे पहले कई थानों की पुलिस को साथ लेकर आनंद विहार पहुंचे, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले आसपास के इलाके को ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद जेसीबी लगाकर अवैध भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई। वीडियो बीसी जोगिंदर सिंह ने बताया है कि बिना नक्शे के बनाए गए भवन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।